To live your dreams, I'll rise up on my own after every fall. Won't let my pain overpower me, and I'll still stand tall. It was unexpected. सब बहुत खुश हुए, रिलेटिव्स, माई टीचर्स, छोटा भाई, मैं सब बहुत ज़्यादा खुश हुए. प्राउड मोमेंट था सबके लिए, बट मिक्स्ड इमोशंस थे बिकॉज मम्मा पापा की कमी जो थी वो अब नहीं, मतलब पूरी हो पाएगी. पापा चाहते थे कि मैं IIT बनूँ, और मम्मा का था कि मम्मा मुझे IAS ऑफिसर बनते हुए देखना चाहती थी. तो अब जब दोनों नहीं हैं तो दोनों के ड्रीम्स मैं फुलफ़िल करना चाहूँगी. आगे जब मम्मा पापा नहीं हैं तो आगे बस अपनी स्टडीज़ पे पूरा कंसंट्रेशन रख के मैं अपने, उन दोनों ने जो भी मेरे लिए सोचा था और मैं अब जो भी चाहती हूँ कि आगे अपने लाइफ में जो भी करना चाहूँगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ. बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी अंदर से, और अनएक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दीदी का. दीदी ने बोला था कि 95% से ऊपर आएंगे, तो वही था कि हाँ हो सकता है इतने अच्छे तो आते ही दीदी के. बट आज इस बारी जो इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए उससे बहुत ही ज़्यादा खुश था. बहुत ज़्यादा दीदी को उस टाइम प्यार करा था कि दीदी आपने इस सब खोज हो जाने के बाद भी इतने अच्छे रिजल्ट लाए. और दीदी अब मेरी एक तरीके की आइडल बन चुकी है और मेरी एक इंस्पिरेशन हो चुकी है कि दीदी से मुझे इंस्पायर होके दीदी से और अच्छे मार्क्स लाने और दीदी से ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर होना. अब इस कोविड क्राइसिस में मेरे जैसे ही सैकड़ों और बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने मॉम डैड को खो दिया. मैं इन माय केस एक बैकग्राउंड सपोर्ट था जो मुझे एक दो मतलब पूरे समय मेरे रिलेटिव से मिला, नानी की तरफ से, दादी की तरफ से. बट जो बच्चे जिनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उन बच्चों के लिए मैं इस मंच से गवर्नमेंट को अपील करना चाहूँगी कि आप उनके एजुकेशन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रावधान या कोई स्कीम ऐसी लॉन्च करें ताकि वो इतने कॉम्पिटिशन में कोप अप कर पाएँ.